हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम द बेट समरी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके राइटर है एंटोन चेखोव। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो द बेट इन इंग्लिश। यू कैन सी दैट वीडियो। द लिंक इज प्रोवाइडिंग अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। दिस लेसन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन हिंदी। सो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, ऑथर के बारे में जान लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, एंटोन पेव्लोविच चेखोव एक बहुत ही ब्रिलियंट रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं, प्ले राइट रह चुके हैं, और इनके जो सारे वर्क्स थे वो उन्होंने ह्यूमन लोनलीनेस, अकेलेपन और फ्रस्ट्रेशन के बारे में लोगों को बताया है, और रशिया की लाइफ के बारे में जितना कि वो जानते थे। ये स्टोरी द बेट फर्स्ट 1889 में अपीयर हुई थी एक मैगजीन में, जिसका नाम है नोवाया वर्मिया। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द समरी। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी कुछ इस तरह शुरू होती है कि रात का वक्त था, डार्क ऑटम नाइट थी। अब यहाँ बैंकर एक अपनी लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पढ़ रहा होता है। अब यहाँ पर बैंकर उसे कहते हैं जो बैंक में काम करने वाला हो। तभी अचानक 15 साल पुराना वाक़िया उसे याद आ जाता है। 15 साल पहले उसने एक पार्टी होस्ट की थी। अब ये बैंकर फ्लैशबैक में जाता है, तो उस फ्लैशबैक में वो याद करता है कि उसने उस पार्टी में बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था, ज़्यादातर जर्नलिस्ट एंड स्कॉलर्स को। तो उस पार्टी में जो गेस्ट थे उनके बीच में एक डिबेट हो गई थी। वो बहस, वो डिबेट थी कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बीच में, यानी कि अगर किसी ने कुछ गुनाह किया हो तो उसे कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, यानी सजाए मौत दी जाए, या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, मतलब ज़िंदगी भर जेल में बंद। तो इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर क्या है, यही डिस्कशन हो रहा था। अब यहाँ पार्टी में जितने भी गेस्ट थे, तो ज़्यादातर लोग तो कैपिटल पनिशमेंट यानी मारने वाले ऑप्शन को गलत मान रहे थे, ये कहकर के एक क्रिश्चियन स्टेट में किसी को मारना बहुत ही पुराना और इमोरल तरीका है, और ये गलत भी है। उसको ज़िंदगी भर जेल में डाल दो, ये ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर बैंकर, जिसने पार्टी होस्ट की थी, वो मारना ज़्यादा बेहतर समझता था कि मारना ज़्यादा मोरल है। अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी तो वो बार बार हर रोज़ मरता है। स्टूडेंट्स, इसी पार्टी में एक और गेस्ट था, तो उसने कहा कि दोनों ही तरीके गलत है, क्योंकि कानून को कोई हक नहीं है इंसान से वो चीज़ छीन लेने का जो कानून उसे दे नहीं सकता, यानी किसी की जान। अब यहाँ पार्टी में एक यंग लॉयर भी मौजूद था, तो उसने भी कहा कि मैं इस आदमी की बात से सहमत हूँ, दोनों ही पनिशमेंट इक्वली इमोरल है, दोनों ही गलत है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी भर जेल में रहने वाला ऑप्शन मीन्स इस ऑप्शन को मैं पसंद करूँगा अगर मुझे डेथ सेंटेंस सुना दिया जाएगा, क्योंकि जेल में रहकर ही सही मैं ज़िंदा तो रहूँगा। ये मरने से बेहतर ऑप्शन है, मैं यहीं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहूँगा। तो अब इस लॉयर की बात पर बैंकर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो उसने टेबल पर हाथ मारा और उस यंग लॉयर से बोला कि तो चलो शर्त लगा लो, अगर तुम्हें 2 मिलियन रूबल मिले, यानी मैं तुम्हें 2 मिलियन रूबल दूंगा, तो 5 सालों के लिए क्या तुम एक बंद कमरे में रह पाओगे? वहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा, किसी से बात करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। तो लॉयर बोला, तुम 5 सालों की बात कर रहे हो, मैं तो 15 साल के लिए रह सकता हूँ। और फिर इन दोनों ने बहुत सारे विटनेस, यानी जो गेस्ट आए हुए थे, उन सब के सामने अपनी शर्त को, अपने बेट को पक्का कर लिया। अब यहाँ पर डिनर का टाइम था। डिनर करते करते दोनों साथ ही डिनर कर रहे थे। डिनर करते करते बैंकर लॉयर को समझाने लगा कि अपनी शर्त को वापस ले लो, मेरा कुछ नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन तुम इस शर्त की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी के कुछ साल ख़राब हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि 15 साल तो तुम रह ही नहीं पाओगे, 3-4 साल जितने भी रहोगे वो तो जाएंगे ही, और पैसे भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि 3-4 साल से ज़्यादा तुम रह नहीं सकोगे, मीन्स अकेले, उस अकेले कमरे में नहीं रह सकोगे। अब यहाँ पर तुमने एक्साइटमेंट में आकर ये कह दिया कि तुम अकेले रह सकते हो, लेकिन मैं ये बता दूँ कि फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती अगर किसी को बंद कर दिया जाए तो वो रह सकता है, लेकिन जब कोई अपनी मर्ज़ी से बंद हुआ हो तो इसके लिए अपनी इस मीन्स फैसले पर बहुत पछताना होगा, क्योंकि वो अकेले रह ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स ये था फ्लैशबैक। यहाँ पर बैंकर लॉयर को समझाता है कि अपनी शर्त वापस ले लो क्योंकि तुम अकेलेपन में रह ही नहीं सकते। तो चलिए स्टूडेंट्स अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब यहाँ पर 15 साल पुरानी लगाई हुई शर्त पर बैंकर को अफसोस हो रहा होता है, क्योंकि उस शर्त से बैंकर को कुछ भी नहीं मिला और लॉयर ने भी अपनी ज़िंदगी के 15 साल ख़राब कर दिए, और बैंकर ने भी इन 15 सालों में अपना बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, और इन दोनों में से कोई भी किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचा कि ज़िंदगी भर जेल में रहना ज़्यादा बेहतर है या फिर डेथ सेंटेंस यानी कैपिटल पनिशमेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स अब दोबारा से इस कहानी को फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं कि उस वक्त उस शर्त यानी बेट लगाने के बाद क्या हुआ। बेट लगाने के बाद इस बैंकर ने लॉयर के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स तैयार किए। बैंकर ने अपने ही घर में रहने के लिए लॉयर को एक रूम दिया, एक उसके गार्डन में एक छोटा सा कॉटेज था, और कहा कि अब से तुम यहाँ अकेले रहोगे 15 सालों के लिए, और किसी से भी बात नहीं करोगे, किसी इंसान की आवाज़ नहीं सुनोगे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकोगे जो कि तुम्हारे पास आएगा ही नहीं, लेटर भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, तुम कुछ चीज़ें ऐसी है जो कर सकते हो, और वो ये है कि तुम लेटर्स लिख सकते हो अगर तुम्हें कुछ चाहिए, बुक्स पढ़ सकते हो, पियानो बजा सकते हो, शराब पी सकते हो, रोज़ स्मोकिंग कर सकते हो, टबैको खा सकते हो। तो तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो, और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो जैसे वाइन या बुक्स वगैरह, तो खिड़की के बाहर छोटा सा नोट लिखकर रख देना, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर भागने की तुमने ज़रा भी कोशिश की और तुम पकड़े भी गए तो तुम्हें एक पेन्नी भी नहीं दूंगा। तो अब बताओ क्या तुम्हें ये सारी कंडीशंस मंजूर है? तो लॉयर यहाँ ये कहता है कि मुझे मंजूर है। शुरू में लॉयर को बहुत परेशानी हुई अकेले में, मीन्स अकेले में एडजस्ट होने में। वो अपनी इस क़ैद में शुरू में बहुत उदास रहता था। सारा दिन, सारी रात वो पियानो बजाता था, लाइट कैरेक्टर वाली बुक्स पढ़ता था। उसको बुक्स पढ़ना इतना ज़्यादा शौक, मतलब उसे बुक्स पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था, लेकिन वो लाइट कैरेक्टर्स की बुक्स पढ़ता था अपना टाइम पास करने के लिए। वो यहाँ पर वाइन और टबैको को हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि इंसान टाइम पास करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन इसको छुड़वाने के लिए बहुत मुश्किल होती है। इसी तरह अकेले रहते रहते उसका 1 साल गुजर गया और दूसरा साल आ गया। दूसरा साल चल ही रहा था, इसने पियानो बजाना बंद कर दिया और क्लासिक वर्क्स को पढ़ना लगा, मीन्स पढ़ना शुरू कर दिया। देखते देखते स्टूडेंट्स 5वां साल भी आ गया, तो उसने म्यूज़िक में फिर से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब वो वाइन भी मांगने लगा था। इस साल ये बस खाता रहा और सोता रहा, इसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। कभी कभी ये लिखता था और कभी कभी लिखते लिखते इसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, और ये अक्सर रोता था अकेले कमरे में बैठकर, अपने अकेलेपन से फ्रस्ट्रेट होकर। अब 6th ईयर में ये लैंग्वेजेस पढ़ने लगा, जैसे कि फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री और दूसरी बुक्स को पढ़ने लगा। जो भी बुक उसके सामने आती थी वो उसको पढ़ लेता था। अब उसने 6 लैंग्वेजेस में बैंकर को एक लेटर लिखा। उसने कहा कि मैं यहाँ पर क़ैद में टाइम पास के लिए दुनिया के सारे जीनियस लोगों के मीन्स वर्क को पढ़ने लगा, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अगर तुमको इन लैंग्वेजेस में कोई भी मिस्टेक्स नहीं नज़र आ रही, नहीं लग रही है, तो गार्डन में आकर एक गन फायर कर दो, मैं समझ जाऊँगा। तो बैंकर गार्डन में आता है और गन फायर कर देता है। अब स्टूडेंट्स 10वां साल भी आ गया। लॉयर ने पेस्टिमिस्ट को पढ़ना शुरू कर दिया। लॉर्ड बिरोन, विलियम शेक्सपियर, इन सब को पढ़ता था। वो अब इस तरह बहुत मुश्किल से 15 साल गुजार चुका था और वो शाम भी आने वाली थी जब लॉयर को रिलीज़ होना था। लेकिन बैंकर बहुत घबराया हुआ था, परेशान था, क्योंकि अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लॉयर को 2 मिलियन रूबल दे सके। लेकिन जिस वक्त उसने शर्त लगाई थी वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला था। लेकिन उसने अपने सारे पैसे जुए में, स्टॉक मार्केट में, मीन्स सट्टे में और इस जैसी चीज़ों में अपना सारा बिजनेस ख़त्म कर दिया और अब ये बूढ़ा भी हो चुका था। अब इसको ये लग रहा था कि लॉयर तो शर्त जीतने वाला है, यानी बेट जीतने वाला है। बेट जीतने के बाद इसको पैसे मिल जाएंगे तो वो ये पैसों से शादी कर लेगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा और मैं बिल्कुल भिखारी हो जाऊंगा। अब बैंकर यहाँ सोचता है कि अब एक ही रास्ता रह गया है कि मुझे इस लॉयर को मारना होगा, मजबूर होकर मुझे इस लॉयर को मारना ही होगा। अब ये क्या करता है स्टूडेंट्स, रात के 3 बजे उठता है। उठकर जब सब सो रहे होते हैं, तेज़ हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी, उस वक्त ये बैंकर उठता है और वॉचमैन को देखता है, आवाज़ लगाता है। वॉचमैन वहाँ पर मौजूद नहीं होता। ख़राब मौसम था, इसको लगा कि वो सो गया होगा। वॉचमैन इसको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये लॉयर की विंडो पर गया, विंडो को खटखटाने लगा तो वहाँ कोई हलचल नहीं थी। तो स्लोली से उसने लॉयर के सेल का डोर खोला। 15 सालों बाद इसने अंदर जाकर लॉयर को देखा तो वो क्या देखता है कि लॉयर तो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसके गाल अंदर चले गए थे, पूरा पीला पड़ चुका था और उसकी उम्र से ज़्यादा बूढ़ा लग रहा था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इस बैंकर को लॉयर पर बहुत तरस आ रहा था, दया आ रही थी उसका हाल देखकर। उस लॉयर के पास बैंकर देखता है कि एक पेपर शीट पड़ी थी जिसमें कुछ लिखा हुआ था। तो बैंकर के दिमाग में आया कि इस अधमेरे को मारना कितना आसान होगा, मैं तो इसे वैसे भी मार दूंगा। लेकिन मारने से पहले उसने वहाँ पर उस लेटर को, उस नोट को पढ़ना सही समझा। तो उसने उस पेपर को जो लॉयर ने लिखा था उससे पढ़ना शुरू किया। अब इस पेपर में इस लॉयर ने लिखा था कि कल मैं आज़ाद हो जाऊंगा, 15 साल बाद मैं फिर से लोगों से मिलूंगा। लेकिन इस कमरे से बाहर जाने से पहले मैं कुछ वर्ड्स उस बैंकर को बोलना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो दुनिया की सारी फ्रीडम, लाइफ, हेल्थ, ब्लेसिंग्स, इन सब को मैं बहुत कम मानता हूँ उस चीज़ के सामने जो चीज़ मुझे बुक पढ़ने से मिली। वो बुक मुझे बैंकर ने प्रोवाइड की थी। मैं इस कमरे में अकेले बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या देख लिया, जो किसी इंसान में मुझे आज तक नहीं मिला था। मैंने यहाँ पर शराब भी यानी ड्रिंक किया, गाने भी गाए, बुक्स के ज़रिए मैं शिकार पर गया, पूरा वर्ल्ड घूम चुका था, ऐसी ऐसी चीज़ें देख चुका था जो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल थी। मैं उन्हें इमेजिन भी नहीं कर सकता था। अब लॉयर यहाँ ये भी बोलता है कि लोग तो पागल है, मीन्स मिसगाइडेड है, जो ट्रुथ और ब्यूटी को गलत जगह, गलत चीज़ों में ढूंढते हैं और असल में उनको पता ही नहीं होता कि ट्रुथ और ब्यूटी किस में है। लोग पागल है कि वो वर्ल्डली लाइफ के पीछे भागते हैं। इसीलिए मैं खुशी से कल मुझे जो 2 मिलियन रूबल मिलने वाले हैं उनको छोड़ता हूँ। मुझे अब वो पैसे नहीं चाहिए, लेकिन शर्त यानी बेट की जो टर्म है मैं बना कर रहूँगा, यानी बेट की टर्म्स को नहीं छोड़ूंगा। मैं शर्त ख़त्म होने से 5 घंटे पहले यहाँ से भाग जाऊँगा ताकि बैंकर को मुझे पे नहीं करना पड़े वो 2 मिलियन रूबल। और अब यहाँ पर ये लेटर ख़त्म होता है। वो लेटर पढ़ते पढ़ते बैंकर की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, वो रोने लगता है। उसने लेटर नीचे रखा और उस लॉयर के माथे को किस किया और चुपचाप वहाँ से चला गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इस ओल्ड बैंकर को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वापस जाकर सोने की कोशिश की लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। खुद को वो रोने से रोक नहीं पा रहा था। अब जब ये सुबह उठा तो उसने उसके पास वॉचमैन भागता हुआ आया और बोला कि लॉयर भाग चुका है। तो यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। अब स्टूडेंट्स टेक्निकली इस कहानी में बैंकर ये बेट जीत जाता है, लेकिन उसे ये सबक सीखने को मिलता है कि फ्रीडम वो नहीं होती जो इसने एंजॉय की इन 15 सालों में, बल्कि असली ख़जाना तो वो है जो इसने लॉयर को दे दिया था पढ़ने के लिए ये बुक्स। और लॉयर को भी इन 15 सालों ने सिखा दिया कि जिस वक्त उसने शर्त लगाई थी, बेट लगाई थी, उस वक्त वो बहुत ही इमेच्योर था। स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉयर क़ैद में रहकर बहुत सारे सबक सीख चुका था। तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी जो शेखोव ने लिखी थी ये एक फिक्शनल स्टोरी है, यानी कि अनरियल स्टोरी है, ये रियल नहीं है। यहाँ ये इस स्टोरी के ज़रिए बताना चाहते थे कि कौन सी चीज़ वर्स है, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट। और ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यहाँ पर एंटोन चेखोव ने रीडर्स को रीडर्स पर लेफ्ट कर दिया है कि ये एक ओपन एंडेड स्टोरी है। यहाँ पर रीडर अपने हिसाब से अपनी समझ से इसका एंड डिसाइड कर सकता है कि क्या आगे की ज़िंदगी जो बैंकर था वो रिमोर्स में गुजारता है, पछतावे में गुजारता है, या फिर वो कुछ सालों के बाद इस लॉयर को, इसके क़ैद को भूल जाता है। और अब रहा सवाल लॉयर का, तो क्या वो वहाँ से भागने के बाद क्या दोबारा शादी कर कर अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, इंजॉय करता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।